बीसीसीआई अगले महीने अपने शीर्ष क्रिकेटरों के लिए 6 हफ्ते के शिविर का आयोजन करेगा और इस पर अटकलें शुरू हो गई हैं कि क्या पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इसमें नजर आएंगे। धोनी पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की सूची से हटा दिया गया, लेकिन जब कैंप होगा तो इसमें अनुबंध पूल के बाहर के भी कुछ खिलाड़ी होंगे। चयन समिति के पूर्व अध्यक्ष एम एस के प्रसाद ने इंटरव्यू में कहा कि अगर कोई T20 वर्ल्ड कप हो रहा है तो संभवतः धोनी को बुलाया जा सकता है, लेकिन द्विपक्षीय सीरीज को लेकर चयन समिति अलग तरीके से सोच सकती है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि T20 विश्व कप हो रहा है या नहीं, अगर ये हो रहा है और आप शिविर को टूर्नामेंट पूर्व तैयारी के तौर पर देखेंगे तो ऐसे में धोनी को निश्चित रूप से होना चाहिए। अगर ये द्विपक्षीय सीरीज के लिए है तो आपके पास पहले ही KL राहुल, ऋषभ पंत और संजू सैमसन है। प्रसाद ने हालांकि ये भी कहा कि धोनी की मौजूदगी से शिविर में विकेट कीपरों को काफ़ी फायदा होगा। धोनी के विश्व कप जीतने वाली टीम के पूर्व साथी खिलाड़ी आशीष नेहरा को लगता है कि अगर ये विकेट कीपर बल्लेबाज खुद खेलना चाहता है तो उन्हें टीम में होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं राष्ट्रीय चयन करता होता तो MS धोनी मेरी टीम में होते, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वो खेलना चाहते हैं या नहीं। आखिर में ये मायने रखता है कि धोनी क्या चाहते हैं। ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह शिविर में युवा खिलाड़ियों को देखना चाहते हैं। उनका कहना है कि मैं उस शिविर में सूर्य कुमार यादव सहित युवा खिलाड़ियों को देखना चाहूंगा जिसमें अंडर-19 टीम के लेग स्पिनर रवि बिश्नोई और यशस्वी जायसवाल भी हों। भारत के पूर्व विकेट कीपर और विश्लेषक दीप दास गुप्ता ने भी कहा कि महेंद्र सिंह धोनी का करियर अब खतरे में है और उन्हें वापसी के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।